जयपुर से खबर है, सांसद किरोड़ी लाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पेपर लीक मामले को लेकर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मैं नाम बता सकता हूं, छुपाऊंगा नहीं, सीआई मोहन पोसवाल ने सुरेश ढाकर उसकी टीम से 50 लाख रुपए लेके उसको बचाने का काम किया। इसका प्रमाण मैं पुलिस को दे दूंगा, जो अभी पुलिस जांच कर रही है। सुरेश ढाका का नाम विकास अधिकारी की परीक्षा में आया था। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर मोहन पोस्ट कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर मोहन पोसवाल को मिला सबसे पहले लीक का। तो मैंने उस समय कहा था कि ये मोहन पोसवाल को कहाँ से आया, आज तक एसओजी ने उजागर नहीं किया। मोहन पोसवाल को ये पेपर, जो पेपर लीक करने वाला ग्रोह का सरगना है उदाराम, उसने दिया था उदाराम के पास। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बस ये पेपर कहाँ से आया, आज तक एसओजी ने नहीं पूछा। मैं एसओजी के चीफ को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपके एसओजी की जो जाँच की टीम है वो इन माफियाओं से मिली हुई है और इनको बचा रही है। आपकी जानकारी में है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा लीक प्रकरण में उदयपुर पुलिस ने माना कि गाड़ियां 3 बार आई हैं, 3 बार लौटी हैं, तो परीक्षा पेपर तो एक ही रद्द किया, बाकी के 2 क्यों नहीं कर रहे। मैं एक वीडियो आपको दूंगा जिसमें बुद्ध नारायण प्रजापत निवासी एचेड़ थाना चौथ का बरवाड़ा जयपुर में वरिष्ठ अध्यापक का पेपर पढ़ा रहा था 21 दिसंबर का। मैं आपको दे दूंगा, वो आप सुन लेना पूरा किसको पढ़ाया। और इसका मतलब 21 को भी पेपर लीक हुआ है और 22 का भी ऑडियो है, वो मैं आपको दूंगा, वो भी लीक हुआ है। सुरेश ढाका को पिताजी जो मांगीलाल जी सरपंच हैं, उन्होंने बयान दिया था कि मेरा बेटा के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो मांगीलाल ने खुद ने अपने गांव में वरिष्ठ अध्यापक के 200 बच्चों को पेपर पढ़ाए। मैं मांग करूंगा पुलिस से उनसे जांच की जाए। सुरेश ढाका को एवं भूपेंद्र सारन, आपको पता है, फॉरेस्ट की परीक्षा का भी पेपर लीक किया। सुरेश ढाका और अन्य बड़ी मछलियों को पैसे लेकर बचाने का काम एसओजी के मोहन पोसवाल करते रहते हैं। मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि पोसवाल की लोकेशन अधिकतर मानसरोवर में ही आती है। क्या वहां एसओजी का ऑफिस है या कोई दूसरा ऑफिस है, इसकी जांच सरकार कराए। यहां पर भूपेंद्र सारण फरारी काट रहा था, भूपेंद्र सारण के साथ भूपेंद्र की जीएफ प्रियंका भी रहती थी और प्रियंका जहाँ मानसरोवर में रहती थी, जहाँ भूपेंद्र रहता था, वह मोहन पोसवाल आम तौर पर रुकता था, प्रियंका से संपर्क थे। तो मैं मांग करता हूँ एसओजी से कि मोहन पोसवाल के कॉल डिटेल निकाल कर ये पूछा जाए कि भूपेंद्र सारण, प्रियंका और जो ये ढाका है सुरेश ढाका, इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके संपर्क में था, ये पूछताछ करना निहायत जरूरी है। और सुरेश ढाका की, जैसे प्रियंका को पकड़ा है वैसे सुरेश ढाका की भी एक गर्लफ्रेंड है, अगर राजस्थान की पुलिस उसको पकड़ती है तो पेपर लीक के बड़े राज खुलेंगे। वह एक दल की बड़ी नेता है, मैं उसका नाम पुलिस को बताऊंगा, लेकिन मैं मीडिया के जरिए राजस्थान की पुलिस को कहना चाहता हूं कि उसको भी पकड़ ले, नहीं वो भी नेपाल भाग जाएगी तो सारी चेन टूट जाएगी। पेपर लीक में पार्वती द्रौपदी को एसओजी ने 7 दिन तक पूछताछ की थी, लेकिन एसओजी के एक सिपाही के जरिए 35 लाख रुपए लेकर द्रौपदी को बचा लिया। एसओजी के उस सिपाही का नाम मैं पुलिस को बताऊंगा। सुरेश ढाका पेपर लीक में लिप्त इन बड़े मुलजिमों को बचाने में कई राजनेता को हाथ है, जिस कारण पेपर लीक की जाँच निष्पक्ष नहीं होगी। अतः मैं मांग करता हूं कि जबकि जांच सीबीआई से कराई जाए। इसमें 6 एमएलए हैं,
लेकिन मैं 6 मेले का नाम अभी नहीं बताऊंगा। एक पूर्व विधायक है, एक मंत्री का पीए है और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष भी इसमें लिप्त है, सुरेश ढाका की गर्लफ्रेंड भी इसमें लिप्त है। विधायकों का नाम अभी उजागर करना ठीक नहीं, किंतु राज्य के एक मंत्री सुखराम बिश्नोई के पीए मनोहर इस पेपर लीक में लिप्त हैं। ये मनोहर पहले रीड पेपर में भी लिप्त था, लेकिन सुखराम बिश्नोई को शायद इसकी जानकारी नहीं है, मैं कंफर्म कह सकता हूँ। सुखराम बिश्नोई का पीए जो है मनोहर की जांच अगर सुखराम जी करेंगे और पुलिस करेगी तो ये दोषी पाया जाएगा। आरपीएससी के 2018 के बाद जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सारे लीक हो रहे हैं। आरपीएससी में बैठा एक व्यक्ति ये काम लगातार कर रहा है, परीक्षा के पेपर लीक कर रहा है। आरएस 2018 किया, आरएस 2021 किया, सब इंस्पेक्टर 2021 का पेपर लीक किया और आरपीएससी का टीचर का पेपर भी अब लीक हो गया। वो व्यक्ति उसका नाम डैश 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 यादव है। आरपीएससी में ऐसे 3 यादव हैं, ये यादव अलवर का है, मैं नाम इसलिए उजागर नहीं करूंगा, पर ये यादव है और गोपनीय शाखा में है, मॉडरेटर टीम में है, तो इसको पुलिस तुरंत पकड़े, नहीं तो ये भी ढाका और भूपेंद्र की तरह गायब हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी मैं प्रक्रिया की देना चाहता हूँ। आरपीएससी ने पिछले साल अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में करीब 1 दर्जन एक्सपर्ट को शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर बनाने के लिए अजमेर मुख्यालय बुलाया था। विशेष रूप से बने पेपर रूम में एंट्री के पहले सभी एक्सपर्ट की जांच हुई कि इनके पास मोबाइल रिकॉर्डर या अन्य कोई डिवाइस पेन कागज़ आदि तो नहीं है। एक्सपर्ट को पेपर बनाने के लिए कागज़ पेन सिलेबस रेफरेंस बुक आदि आरपीएससी की ओर से दिए गए। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे पहले से लगे हुए थे। एक्सपर्ट के पेपर बनाने के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में सभी प्रश्नों को आरपीएससी के सॉफ्टवेयर में चढ़ाया गया और मॉडरेट किया गया। ये प्रक्रिया आरपीएससी चेयरमैन की निगरानी में सेक्शन ऑफिसर प्रोग्रामर व लिपिक ने पूरी की। नियमानुसार इस दौरान इसमें से कोई भी मोबाइल रिकॉर्डर पेन कागज़ आदि नहीं ला सकता जो पेपर बनाता है वो बाहर का। जहाँ ये काम होता है वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सिस्टम में न तो पेन ड्राइव या सीडी लगती है और न ही ये प्रिंटर से कनेक्ट होते हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।